अमेरिका भारत की दोस्ती का किस्सा जब दुनिया के हर टीवी पर था, तब ओबामा को क्यों आई मुसलमानों की याद। अपनी गलती पर पछता रहे होंगे बाइडेन। अमेरिका से हो गई बड़ी गलती और भारत के जवाब से दुनिया रह गई दंग। पाकिस्तान से लेकर चीन तक देश के दुश्मनों की नींद हराम। दुनिया के देश बोल रहे, ये कौन सा भारत है। अंकल सैम बोले, माफ कर दो। अमेरिका 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे अमीर देश भी है। अमीर देश है तो दुनिया में भौकाल भी है। अमेरिका की आदत है, वो दुनिया भर के देशों को ज्ञान देता है। ओबामा ब्रो ने भी पीएम मोदी के दौरे के दौरान ही भारत में मुसलमानों को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया कि भारत में मोदी विरोधियों को देश के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मिल गया। ओबामा को लगा होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, कुछ भी बोलकर निकल लेंगे, लेकिन वो भूल गए ये नए वाले भारत का सिस्टम अलग हो गया है। ये नए वाले भारत में सम्मान के बदले ही सम्मान मिलेगा, और जो आपने हवाबाजी दिखाई है तो आप कौन हैं और कहां के हैं, इसकी चिंता ये देश अब नहीं करेगा। ओबामा ब्रो को भारत सरकार की तरफ से होश की दवा दे दी गई है। आप जब भी वो भारत का जिक्र करेंगे, होश में करेंगे। भारत किसी के लोन पे नहीं जी रहा है, भारत अपने साथ दुनिया का पेट भरने की ताकत रखता है। तो बदतमीजी किसी की भी नहीं सही जाएगी, चाहे आपका नाम ओबामा ही क्यों ना हो। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में थे, उसी वक्त पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने एक इंटरव्यू में भारत में मुसलमानों की हालत पर चिंता जताई। ओबामा ने कहा, अगर उनकी बात भारतीय प्रधानमंत्री से होती है तो वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका में हो रहे भव्य स्वागत से अमेरिका के एक वर्ग में नाराजगी थी। उस नाराजगी को काउंटर करने के लिए जानबूझकर बाइडेन प्रशासन के एक पूर्व राष्ट्रपति से यह बयान दिलवाया। अमेरिका के जैसे हालात हैं उसमें भारत की बढ़ती ताकत और पीएम मोदी का नेतृत्व नजरअंदाज करना मुश्किल है। अमेरिका को भारत से बिजनेस चाहिए, भारत का बड़ा बाजार चाहिए, भारत को भी अमेरिकी निवेश चाहिए, दोस्ती बराबरी की है। बाइडेन प्रशासन को लगा होगा कि ओबामा का बयान आई गई बात होगी। भारत ने अपने अटैकिंग डिप्लोमेसी के तहत ओबामा के बयान पर जो रुख अमेरिका को दिखाया, आगे से अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में बोलने से जरूर खुद को रोकेगा। ओबामा के बयान पर सबसे पहला जवाब आया असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का। ऐसा बयान आया जो वाशिंगटन पोस्ट में छप गया। लोग ट्विटर पर लिख रहे थे, इस पर असम के सीएम को माफी मांगनी पड़ जाएगी। कुछ ने कहा कि इस तरह के बयान से मोदी जी का सफल दौरा प्रभावित हो जाएगा। अब देश के वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सबने ओबामा की क्लास ले ली है। ओबामा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछ लिया है, आप किस मुंह से मुसलमानों पर बात कर रहे हैं, आपने तो मुस्लिम देशों को बर्बाद कर दिया। 26,000 से ज्यादा बम आपके आदेश पर उन देशों पर गिराए गए। अमेरिका को पीएम के सफल दौरे के बाद ओबामा के एक बयान पर भारत के आक्रामक रुख का अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा। बाइडेन तो पीछे से खेल रहे थे, बाइडेन प्रशासन ने तो मोदी के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का ढंग से जिक्र तक नहीं किया, लेकिन एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के बयान पर भारत सरकार के रौद्र रूप से अमेरिका सन्न है। भारत में जमींदारी कब की खत्म हो गई है, लेकिन इस देश में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक को आज भी लोग जाने क्या समझते हैं। दुनिया के देशों को ये अमेरिका वाले बताते रहते हैं, आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है तो आपके यहाँ क्राइम बहुत है। ये ह्यूमन राइट्स पर रिपोर्ट छापते हैं, ये बताते हैं कि आपके यहाँ भुखमरी है। भारत में भी अमेरिकी रिपोर्ट्स का हवाला देकर खूब खबरें चलती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का मिजाज बदल गया है। अब भारत भी पलटकर अमेरिका में मानवाधिकार पर सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकियों को सवालों की आदत नहीं है। इस देश के एक वर्ग को अमेरिका और ब्रिटेन से जो लोग अलग अलग रिपोर्ट जारी होती हैं, उस पर चिंता करने में बड़ा मजा आता है। इस मजे में वो ये नहीं देख रहे कि भारत अब उस जगह पर खड़ा है जहां से वो दुनिया के देशों से उनकी हालत पर सवाल भी करेगा और आंतरिक मामलों पर रिपोर्ट भी जारी करेगा। उभरते भारत के विशाल रूप को देखिए और बोलिए जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।